खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। छत पर धूप का लुत्फ लेते परिवार के घर में घुस चुराए 4 लाख के जेवर। स्कीम 10A में सामने आई घटना। वहीं पड़ाव की चक्की में मिल परिसर से पार किए मशीनरी और पार्ट्स। सड़क हादसों को लेकर सख्त कानून के विरोध में बसों का संचालन रखा ठप। लगातार दूसरे दिन भी नहीं चली बसें। वहीं महुआ खुर्द के पास चालकों ने किया चक्का जाम। बिजली चोरी से रोका तो लाठियों से 3 को किया घायल। बगड़ तिराए के गुगडोद गांव में सामने आई घटना। और डबल इंजन सरकार से ईस्टर्न कैनाल सहित सिलिसेट से पानी लाने पर अमल की जताई उम्मीद। कार्रवाई हुई तो क्रिकेट मैदान बना, लाल डिग्गी जलाशय भी होगा लबालब। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। सर्दी में परिवार छत पर धूप का लुत्फ लेता रहा और घर में चोर घुस गए। इन शातिरों ने करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और 60,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। वहीं यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 महिलाएं नजर आई हैं। यह घटना हालांकि 23 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे की है, लेकिन मामला 1 जनवरी को दर्ज करवाया गया है। अलवर शहर के स्कीम 10A के निवासी रमेश चंद गुप्ता के अनुसार, घर के सभी लोग दोपहर में छत पर बैठकर चाय पी रहे थे। जब वे वापस नीचे आए तो अलमारी खुली हुई थी और सामान बिखरा मिला। घर से करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और 60,000 रुपए चोरी हो गए। उधर उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में 2 महिलाएं घर के पास दिख रही हैं। उन पर घर में घुसकर चोरी करने का शक है। आरोप है कि महिलाओं की पहचान भी हो गई, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सर, हम ऊपर छत के ऊपर बैठे थे, चाय पी रहे थे। हमारी बेटी आई हुई थी और वो 11:30 बजे आ गई थी यहाँ पर। हम ऊपर चल गए सब के सब। इतने में हम चाय भी बना पीने लग गए, बात उठ करने लगे। छत के ऊपर थी, धूप बैठ गए थे। उसके बाद में आकर देखे तो यहाँ अलमारी खुली मिली। हमारा सामान बिखरा हुआ था और 60,000 नगद थे और 3 अंगूठी सोने की, 1 चैन और कान के टोपिस और आधा किलो चांदी। तकरीबन कितने का सामान चोरी हुआ? ये 4 लाख के आसपास का पड़ता है। दोपहर 1 बजे 1:30 बजे घटना, 1:35 पर 1:45 तक का। अच्छा, क्या देखा जो आप नीचे आए थे? ये सामान यहाँ बिखरा पड़ा था, बाकी अलमारी खुली थी। एक गेट खुला था, एक बंद था और अलमारी का लॉकर भी खुला मिला था। अलवर में पड़ाव की चक्की स्थित एक ऑयल मिल को चोरों ने निशाना बनाया। चोर मिल की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और मशीनरी और पार्ट्स चोरी कर ले गए। पीड़ित अविनाश ने बताया कि उनके पड़ोसी ने सूचना दी थी कि तेल मिल परिसर की दीवार तोड़कर कुछ लोग अंदर घुसे थे, जो शोर मचाने पर भाग गए। वहीं मिल में जाने पर पता लगा कि चोर पुराना लोहा, मशीनरी और पार्ट्स चोरी कर ले गए हैं। ये शातिर 40 HP की मोटर और छत की टीन शेड भी तोड़ कर ले गए। इसके अलावा पास में स्थित गोदाम की दीवार तोड़कर भी सामान पार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गली में दिन रात नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। उधर चोरी का मामला थाने में दर्ज कराया गया है। और ये श्रीनिवास ऑयल मिल है, ये पिछले 60 सालों से इस जगह स्थापित है जगह। और ये ऑयल मिल, दाल मिल और घाट मिल परिसर है। इसमें पिछले गत दिवस रात को 12 से 12:30 बजे तकरीबन हमें पड़ोसी हरीश ने सूचना दी कि आपके मकान की पिछले साइड की वाल तोड़ दी के, जो कि काफ़ी बड़ा हिस्सा था, तोड़ के उन्होंने 4 से 6 के बीच में चोर एंटर करिए किए हैं। तो उन्होंने जब हमें सूचना दी तो मैं हाथों हाथ जाके परिसर के अंदर जा गया और मेरे पिताजी जो कि 76 वर्ष के हैं, वो खिड़की से उनको हल्ला मचा ना हो हल्ला किए। उसके उस दरमियान वो चोर वहाँ से भाग गए हैं। और जैसे कि हमें ये पड़ोसी के द्वारा बताया गया, लेकिन पड़ोसी जो है कोई बाहर हमारे हल्ला मचाने के बाद ही बाहर निकला था और वो उस दरमियान भाग चुके थे।
ये चोरी पिछले एक डेढ़ साल से लगातार इसी तरह से अनवरत जारी है। ये यहाँ पर मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्व जो कि शराब और ड्रग्स का सेवन भी करते हैं, उन्होंने पूरे मोहल्ले में स्थिति को असमंजस स्थिति में डाला हुआ है। और ये काफी लोहा मशीनरी पार्ट्स है जो ऑयल मिल के है हिस्से में है, और इसके अलावा दाल मिल परिसर से 40 HP की मोटर और टीन शेड जो कि लगी हुई थी वो, और एक जो हमने ना फ्रिज का गोदाम दिया हुआ था पिछले काफी समय से रेंट पर, वो मटेरियल भी हमारा ही था, हमारे क्योंकि उसका किराया हमें काफी समय से नहीं होने की वजह से, तो वो मटेरियल पिछले 20 साल से हमारे ही कब्जे में था, वो भी पूरा का पूरा गोदाम उन्होंने खाली कर दिया जिसमें तकरीबन 40 से 50 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे। हिट एंड रन को लेकर सख्त कानून के विरोध में अलवर में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी बसें नहीं चली। यहां केंद्रीय बस स्टैंड से संचालन बंद रहा और बसें परिसर में खड़ी रही, साथ ही लोक परिवहन बसें भी नहीं चली। उधर चालक दयाराम जाट और झमन सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार तानाशाही दिखा रही है, अब हादसे की स्थिति में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे में अल्प वेतन पाने वाले चालक किसी एक्सीडेंट की स्थिति में भारी जुर्माना नहीं दे पाएंगे। उन्होंने इस कानून को वापस लिए जाने तक बसों का संचालन नहीं करने की चेतावनी दी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। कब, क्यों नहीं चल रही बस, क्या है? जब तक यूँ सात लाख और मतलब ये 10 साल की सजा कौन भुगतेगा? बच्चा है, 10,000 रुपए में अपने पेट पाल रहे हैं, बच्चा पाल रहे हैं, इसके अन्याय कौन मतलब ये सुनवाई नहीं कर रहा है? इसको मतलब ये सुनवाई होना बहुत जरूरी है। तो कब तक नहीं चलाएंगे आप बस? कब तक मतलब ये, इसका मतलब ये अंत नहीं मिलेगा और मतलब ये इसका निवारण नहीं होगा तब तक मतलब ये हिंदुस्तान बंद रहेगा। प्राइवेट, सरकारी, रिक्शा, कोई वाहन हो, सब बंद होना चाहिए। आपका नाम और जब तक कोई समाधान नहीं मिले तब तक मतलब ये, किस लिए बंद कर रखा है आप लोग? मतलब हमने ये कर रखा है कि कोई भी वक्त ये जो बेचारा परेशान है, 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आ गए, 7 लाख रुपए कहाँ से लेके आओ, और बेचारा वो कोई गुनू बताओ, सुनो जब हमारे पास कोई बेचारा, अगर हमारे बच्चे बाहर भी जाएंगे वो से लेके उसे 2,000 का चालान कर रहे हैं, वो कहाँ से लेके जाएगा? बच्चा को 2,000 देंगे तो हमको बच्चा खुद बिगड़ेगा। उधर रोडवेज आगार की मुख्य प्रबंधक सपना मीणा ने बताया कि सोमवार सुबह से ही बसों का संचालन बंद है, इसे लेकर समझाइश करने पर भी चालक नहीं माने। वहीं इस स्थिति से मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है। सर कल से पूर्णतः पूरा संचालन बंद है, कल 9-10 बजे के बाद में, और आज तक अभी तक कोई गाड़ियां नहीं निकली है। मैंने निकालने की कोशिश करी तो मतलब कि ड्राइवरों ने साईं बाबा के मंदिर के पास ही गाड़ियों को रोक दिया। क्या कह रहे हैं ड्राइवर लोग? उनको जो ये कानून बनाया है इसको लेके उनमें काफी रोष है। उधर सड़क दुर्घटना को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में मेगा हाईवे स्थित महुआ खुर्द स्टैंड पर ट्रक चालकों ने जाम लगा दिया। ऐसे में इस सड़क मार्ग से गुजरने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवर आरिफ खान, लीलाराम, जमशेद खान, शरीफ मोहम्मद और शौकीन खान आदि ने अपने वाहन सड़क पर खड़े कर दिए। इस वजह से कारों आदि से आवागमन कर रहे लोग इस जाम में फंस गए। मालाखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया गया। और वहीं अनेक रोडवेज बस ड्राइवर ऐसे भी हैं जो हड़ताल में शामिल नहीं होकर बस चलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें निजी बस और ट्रकों के चालक रोक रहे हैं। ऐसे ड्राइवरों ने मंगलवार को मुख्य प्रबंधक सपना मीणा से मिलकर समस्या की जानकारी दी। उनका कहना था कि जब वह रोड पर बस लेकर जाते हैं तो निजी बस और ट्रक ड्राइवर उन्हें रोककर परेशान करते हैं, ऐसे में हड़ताल के समय उन्हें बस चलाने में काफी परेशानियां आ रही हैं। उधर प्रशासनिक अधिकारी संजय चौधरी ने बताया कि सड़क हादसों से जुड़े कड़े प्रावधानों के विरोध में प्रदेश भर में चालकों ने हड़ताल कर रखी है। ऐसे में यदि किसी रोडवेज बस को रूट पर भेजा जा रहा है तो उसके चालक को निजी बस और ट्रकों के ड्राइवर परेशान कर रहे हैं। सरकार के द्वारा, राज्य केंद्र सरकार के द्वारा रिटर्न हैंड वाला जो नया कानून बनाया गया है उसी के चक्कर में आज मत्स्य नगर की गाड़ियां सभी बंद हैं। अनुबंध की गाड़ियां भी हमारे मत्स्य नगर में आधी गाड़ियां हैं, 80 में से 40 अनुबंध की गाड़ियां हैं, 40 रोडवेज की हैं। तो कल से ही, कल 9:30 बजे के बाद से ही रोडवेज के पूरी तरह से चक्का जाम है। रोडवेज के चालक हैं जो मार्ग पर जाने को तैयार नहीं हैं, उनको समझाइश भी डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है बार बार, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मत्स्य नगर आगार का पूर्णतः संचालन बंद है,
और अब इस समय 12 बजे के आसपास हो रहा है, कोई गाड़ी मत्स्य नगर की नहीं निकली। बिजली चोरी करने से रोकने पर बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के गुगड़ोद गांव में हमला कर 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया। इनमें से 2 लोगों के हाथ में फ्रैक्चर है और 1 व्यक्ति के सिर में चोट आई है। परिजन जगदीश चंद्र ने बताया कि उनका 10 साल पुराना कृषि कनेक्शन है। पास के कुछ लोग इसी ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करते हैं। सोमवार शाम को जगदीश का भाई खेत में पानी देने गया था, इसी दौरान बिजली चालू करने पर चोरी के कनेक्शन भी शुरू हो गए। इसके चलते उनकी मोटर का पानी कम होने पर जब विद्युत चोरों को मना किया गया तो उन्होंने लाठियों से हमला कर दिया। इसके चलते दिनेश फूलचंद और रामदेवा जख्मी हो गए। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने रेप के केस में फंसाने की धमकी भी दी है। सर, हमारे सर गांव में सर जंगल में हमारा एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है सर, वो पिछले 20 सालों से सर वो हमारा साझे का कनेक्शन है। तो सर पिछले 5-7 सालों से जो दूसरे पक्ष है, जो दूसरी पार्टी है, जो वहाँ पर फैमिली सहित वहीं पर जंगल में ही रह रहे हैं सर, तो हमारे जो सर हमारा वो कृषि का कनेक्शन है। कृषि का कनेक्शन होने के बाद में सर क्या है कि सर वो सर उसमें से सर घरेलू लाइट लगाते हैं, डिम लाइट में से 2 फ्यूज करके लगाते हैं, उसको तार को चेंज करते हैं। तो सर उससे सर क्या है सर वो तार चेंज करते हैं। कई बार सर उन्होंने ऐसा किया है कि हमारी मोटर है जो तार बीच में पावर लाइट में 3 फेज आते हैं तब पावर लाइट में वो तार चेंज उन्होंने कर दिया, जिससे सर हमारा क्या है कि सर हमारी मोटर खराब हो गई। और सर सर्दियों में सर जैसे ही हम तार चेंज करने के लिए जाते हैं तो सर ओस के कारण हमारा जो तार बदलने वाला डंडा होता है जो भीग जाता है, जिससे सर हमें सर कई बार बिजली के झटके भी लग चुके हैं और जिससे हमें कई बार मतलब मौत से भी जूझना पड़ा है। तो उसके बाद में सर कल सर पावर लाइट आ रही थी, सर पावर लाइट में वो तार चेंज करके जा रहे थे, तो जैसे ही मेरे छोटे भाई टीचर हैं जो कि यहाँ पाली सिरोही पाली उनकी ड्यूटी है, वो अभी छुट्टी आए हुए थे तो खेत में गेहूं के अंदर पानी दे रहे थे। जैसे उन्होंने बोला कि भाई अभी लाइट आ रही है और तुम चेंज करो, मेरी मोटर खराब हो जाएगी, हम पैसे लगा कर परेशान है, फिर हमें इससे बहुत ज़्यादा परेशान है मोटर से, तो तुम ये तार क्यों चेंज करो। तो जैसे सर उसने बोला तो गाली गलौज पे आ गए और सर मेरे छोटे भाई के साथ में मारपीट की। तो उसके बाद में मेरे पापा और मेरे छोटे भाई, दूसरे छोटे भाई, उनको घर से बचाने के लिए गए, वो तो बोलने के लिए गए थे, तो सर उनके भी सर उनके साथ में हाथापाई की, जिसमें मेरे पापा का हाथ तोड़ दिया, मेरे भाई का हाथ तोड़ दिया, मेरे बड़ा छोटा भाई है जो टीचर है जिसके सर में चोट है और एक अंगली कट गई, उसके बाद मेरा दूसरा भाई है जिसका अंगूठा कट गया है और सर बहुत ज़्यादा वो की है सर। उसके बाद में सर क्या है सर, हमने सर तिराया थाना आके हमने FIR दर्ज कराई है। मैं मरीजों को लेके यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पे आ चुका हूँ सर, तो मैंने सर यहाँ पे इनका इलाज करवा रहा था। पीछे से सर वो पक्ष है जो उनके महिलाएं और पुरुष हैं छतों पे चढ़ चढ़ के, हमारे वो जस्ट पड़ोसी है, उनके भाई हैं जो उन्होंने पत्थर बरसाए हमारे महिलाओं के पीछे और सर जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। धमकियाँ देने के बाद में बलात्कार के केस में फंसाने का उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने ज्यादा की तो तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें बलात्कार के केस में फंसा देंगे सर। किसने कहा ये बलात्कार? सर ये सर जो रामू है जो सर है ना, उसकी बेटी ने कहा है सर। ये क्या नाम है बेटी का? सर बेटी का नाम सर कंफर्म तो नहीं है लेकिन रिंकी नाम है सर। अच्छा, ये बिजली चोरी करके किस किस को सप्लाई सर? बिजली चोरी करके सर ये खुद तो सप्लाई लेते ही लेते हैं, कृषि का कनेक्शन है जिसमें से डबल फेस करके लेते हैं और सर मोमडन परिवार और रह रहे हैं सर वहाँ पे, उनको भी चोरी की लाइट देते हैं पैसों में सर। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के अंजाम तक पहुंचने की उम्मीद बंधी है। इसके अलावा वे अलवर शहर में सिलिसेड से पानी लाने की स्कीम पर अमल होने की आस भी लगा रहे हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग के 13 जिलों में कांग्रेस शासन के दौरान ईस्टर्न कैनाल परियोजना लागू नहीं हो सकी। इसके पीछे दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इन जिलों सहित अलवर के लोगों को उम्मीद है कि अब कोई बाधा नहीं आएगी। समय रहते यह नहर परियोजना लागू होने की स्थिति में वर्षों से व्याप्त पेयजल संकट दूर हो सकेगा। इसके अलावा सिलिसेड से शहर तक पानी लाने की मांग अलवर शहर विधायक संजय शर्मा उठाते रहे थे। वे अब मंत्री बन चुके हैं और लोग इस दिशा में भी कार्यवाही की उम्मीद लगाए हुए हैं। गौरतलब है कि एक वक्त लाल डिग्गी तक भी सिलिसेड का पानी आता था, लेकिन अब सूखी हुई लाल डिग्गी क्रिकेट का मैदान बन चुकी है। यहाँ तक आने वाली पुरानी नहर भी अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। रूपारेल नदी से बारिश का पूरा पानी जैसमंद बांध पहुंचे और सिलिसेड झील से अलवर शहर तक पानी की सप्लाई हो, इसके प्रयास तत्कालीन कलेक्टर डॉ. जितेंद्र सोनी ने भी किए थे, लेकिन इसी बीच उनका स्थानांतरण हो गया।
शहर विधायक संजय शर्मा उस समय विपक्ष में थे और वे आरोप लगाते रहे कि सिलिसेड का पानी लाने की दिशा में कांग्रेस सरकार सहयोग नहीं कर रही है। बारिश के पानी का पूरा उपयोग हो और वह बर्बाद होने के बजाय जैसमंद बांध तक पहुंचे, इसके लिए एटीएल ने भी मुहिम चलाई थी। साथ ही इस दिशा में बाधक रूपारेल की जलकुंभी को हटाने के लिए विधायक संजय शर्मा धरने पर भी बैठे थे। बहरहाल अब भाजपा की सरकार बन गई है और अब इन सब पहलुओं पर कार्रवाई के लिए लोग आस लगाए हुए हैं। लालडिग्गी क्षेत्र के निवासी प्यारेलाल सैनी और शिखर चंद सहित सुरेंद्र कुमार एवं अन्य शहरवासियों के अनुसार अलवर शहर में पेयजल व्यवस्था के लिए ठोस योजना बनाकर अमल करना होगा। पारक 2001 तक लालडिग्गी खुद भरी है। 15 अगस्त को तैराकी होती थी, अर्थात तैराकी का प्रयोग था सरकार के द्वारा होता था, उसको शील्ड भी दिए जाते थे और इनाम दी जाती उचित। उसके बाद में लालडिग्गी में अभी नहर सफाई कराई, हमारे सोनू जी कलेक्टर साहब आए थे। अभी पिछली सरकार में जो सोनू जी कलेक्टर आए थे, वो नहर सफाई कराई थी, कुछ उनके मकान ही फूटे थे तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा कलेक्टर साहब जो काम करते हैं उनको तो बाहर भगा दिया जाता है, और जो अच्छे नहीं करते उनको यहाँ बुला लिए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं संजय शर्मा जी हमारे मंत्री जी बने हैं, तो हमारी ये लालडिग्गी के पानी की व्यवस्था कराई जाए और चौकीदार की व्यवस्था कराई जाए, जो कि लालडिग्गी में चौकीदार रहेगा तो पेड़ पौधों को देखभाल हो सकती है, वरना नहीं तो उजड़ जाएगा दोबारा से पार्क, क्योंकि मोहल्ले के सभी हमारे भाइयों ने सब सहयोग, इतने दिन से जो चौकीदार नहीं रह रहे, इतने दिन से हमारे मोहल्ले लालडिग्गी वासी सभी भाई मेहनत करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं। पानी के पार्कों में पार्क खराब हो रहे हैं, पार्कों में हम पैसे लगा लगा पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। चौकीदार हो सबसे पहले थे और को पानी की व्यवस्था हो, टूट फूट ठीक कराई जाए हर साल, और कि लालडिग्गी पार्कों की या बाउंड्री वाल की सबकी ठीक कराई जाए। बाकी यही है, शहर का विकास होना चाहिए, जिनको पानी की जिस जगह पानी की प्रॉब्लम है उस पानी की समस्या खत्म करें और शीघ्र ही ये लालडिग्गी को भरवाएं। पूरे शहर की यही मांग है कि अलवर शहर में पानी की समस्या कुछ ज़्यादा ही शेर है, गली मोहल्लों में सर्दियों के टाइम में भी पानी की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें गर्मी की तो बात ही अलग है। तो जी कांग्रेस शासन के दौरान ईआरसीपी योजना राजस्थान प्रदेश के 13 जिलों को नहीं मिल पाई, लेकिन अब राजस्थान और केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई है, डबल इंजन की सरकार है। जैसा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाह रहे थे वैसा ही हुआ है, लेकिन अब जनता की यह पूरी मांग है कि 13 जिले को ईआरसीपी राष्ट्रीय नहर परियोजना से जोड़ा जाए और पानी का भीषण संकट है इससे निजात मिल सके। वहीं अलवर शहर से विधायक बनकर राज्य मंत्री का दर्जा संजय शर्मा को मिला है और उन्होंने भी रूपारेल नदी नटनी का बारा पर जाकर धरना प्रदर्शन भी किया ताकि पूरा पानी जयसमंद बांध तक पहुंचे और सीली शेड का पानी लालडिग्गी तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब देखना यह है कि भाजपा की सरकार है, शहर विधायक से राज्य मंत्री का दर्जा मिला संजय शर्मा को, अब यह योजना कब तक बनेगी, कब लागू होगी और क्या क्या वो काम करेंगे, जबकि मुख्य रूप से मांग है ईआरसीपी योजना लागू हो, 13 जिले उसमें शामिल हो, इसमें अलवर शहर में जो भीषण पेयजल संकट बना हुआ है वह भी समाप्त हो, और जनता की भी यह मांग है और उनसे आशा भी है कि संजय शर्मा कुछ कर पाएंगे। मैं अब दे देंगे टीएल न्यूज। कुल मिलाकर यह जरूरी है कि अलवर शहर के लिए पहले शॉर्ट टर्म योजना बनाई जाए और उसके बाद ईस्टर्न कैनाल जैसी बड़ी परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो। अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज, अलवर। कोतवाली थाने के अंतर्गत हजूरी गेट हरिजन बस्ती में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन विक्की ने बताया कि नगर निगम में ठेके के सफाई कर्मी नरेश की पत्नी राधा की दिमागी हालत पिछले एक साल से कमजोर चल रही थी। सोमवार शाम महिला ने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। पिछले 4 माह से उसका उपचार भी चल रहा था। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। महिला की उम्र 38 वर्ष थी और करीब 14 साल पहले उनके 7 साल के पुत्र की बीमारी से जान चली गई थी। शरीर का ट्रीटमेंट चल रहा था करीब 2 से 3 महीने हो गए, करीब जयपुर ट्रीटमेंट चलते हुए करीब इनको हो गए 1 साल से डिस्टर्ब थी बीमारी से। 3 महीने करीब ट्रीटमेंट हो गए इनको और आज शाम को करीब 4 बजे का करीब फोन आया मेरे पास, तो शाम को ड्यूटी पता तो फोन आया था भाई का, भाई ऐसे ऐसा फांसी लगा ली। क्या नाम है इनका? इनका राधा नाम। कहाँ की रहने वाली है? मोहल्ला जूरी गेट वाली बस्ती।
कितने दिनों से डिस्टर्ब थी? ये माइंड से तो डिस्टर्ब करीब साल भर से थी, ट्रीटमेंट इनका भी तीन साढ़े तीन महीने हो गए करीब शायद। कितने बच्चे हैं? इनके बच्चे नहीं, एक बच्चा था वो एक्सपायर हो गया करीब 15 साल पहले, है ना, 15 साल पहले। तो बच्चे कोई नहीं? बच्चा कोई नहीं। उसके अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में अलवर शहर में मंगलवार को अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। राजर्षि कॉलेज के समीप स्थित अलकापुरी कॉलोनी में शिव हनुमान मंदिर से यह कलश यात्रा रवाना हुई। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में अयोध्या से आए पीले चावल बांटकर न्योता दिया गया। शोभा यात्रा में डॉक्टर के गुप्ता, डॉक्टर पंकज गुप्ता, पार्षद रवि जैन और विमल सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अश्वनी जावले ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अलकापुरी में जो 22 तारीख को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके तहत जो अयोध्या से पीले चावल आए हैं उनको हमारे जो अलकापुरी का जो मंदिर है वहाँ से और हम पूरी कॉलोनी में सबको घूम घूम के बांटेंगे। उसी के लिए आज शोभा यात्रा है कि सबका निमंत्रण है कि भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके लिए आज ये शोभा यात्रा को आयोजन महिला पुरुष कॉलोनी वासियों द्वारा किया गया है। इसी का एक ही उद्देश्य है कि हम सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और अधिक से अधिक 22 तारीख को होने वाले जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उसमें अधिक से अधिक कार्यक्रम करें और भाग लें। उधर आर्य नगर स्थित हरि बाबा मंदिर से भी कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा का स्वागत किया गया, साथ ही श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर नाचते गाते नजर आए। ये आर्य नगर वार्ड नंबर 7 के अंदर ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। ये श्री राम जन्मभूमि का जो निमंत्रण पत्र अयोध्या से पूरे भारतवर्ष के अंदर भेजा गया है उसके तहत जो अक्षत हैं उनका पूजन हम यहाँ पर कर रहे हैं और इन पूजित अक्षतों को हम घर घर 5-5 दाने ले जा करके वहाँ हम सबको देंगे और सबको निमंत्रण देंगे कि सब भगवान श्री राम के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए वहाँ पधारे। यही मनोकामना के साथ ये कलश यात्रा। एनएबी थाना क्षेत्र में हाल ही मंडी व्यापारी राम स्वरूप से कट्टे की नोक पर 7 लाख से अधिक की रकम लूट ली गई थी। इस मामले में फरार चल रहे दिल्ली निवासी महादेव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि पुलिस पूर्व में 5 बदमाशों चिंटू, निखिल, जितेंद्र, रितेश और करण को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना प्रभारी अशोक चौधरी ने बताया कि लूटी गई रकम में से 3 लाख की राशि बरामद कर ली गई है, साथ ही शेष राशि की बरामदगी का प्रयास जारी है। ये 5-6 रोज पहले जो सब्जी मंडी के व्यापारी थे उनके साथ लूट की घटना हुई थी, उसमें 5 मुलजिम पहले अरेस्ट कर लिए थे और 1 मुलजिम कल अरेस्ट किया है। आज माननीय न्यायालय पेश करके पीसी लिया जाएगा। किस तरह लूट की थी सर? क्या है थोड़ा? ये उनको चोट पहुंचा करके वो स्कूटी से अपने घर से मंडी जा रहे थे, उस समय रास्ते में चोट मार करके उनको नीचे पटक दिया और उनकी स्कूटी और उसी में कुछ राशि थी तो स्कूटी लेके फरार हो गए। सर माल पैसे भी कुछ बरामदी हुई है? हाँ, अभी तक कर चुके हैं, 2,95,000 रुपये कर चुके हैं और आगे के लिए अभी प्रयास करेंगे। इसमें तो शेष मुजरिम भी बाकी हैं? अभी हैं, बाकी। क्या नाम है सर? जो इनसे अनुसंधान होगा तभी बात सामने आएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। मेवा गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट बैग डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर, फोन नंबर 01442332624, 01442332625।
बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जी प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। सभी का स्वागत है। सरिस्का बाग परियोजना में मंगलवार को भी पर्यटकों की चहल पहल रही जो नया साल मनाने यहां आए हुए थे। वहीं सुबह के शिफ्ट में भगानी क्षेत्र में सफारी के दौरान बाग ST-30 की साइटिंग हुई। शीतकालीन अवकाश के चलते सरिस्का में पर्यटकों की खासी आवाजाही बनी हुई है। यहां मौजूद नेचर गाइड ने बताया कि रोजाना ही पर्यटकों को बाग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग के चलते जिप्सियां और कैंट्रा भी फुल चल रहे हैं। राजर्षि अभय समाज के श्रीराम तबला प्रशिक्षण केंद्र में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। संगीत शिक्षक जितेंद्र ने बताया कि 1 से 7 जनवरी तक तबला, गिटार, ढोलक और हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों सहित नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये अपना श्री राजर्षि अभय समाज के अंदर अपने यहाँ क्लास चलती है श्रीराम तबला प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें अपने सभी इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, वोकल म्यूजिक सब चीज़ सिखाया जाता है। अभी 7 दिन बच्चों की छुट्टियां हैं तो 1 से 7 जनवरी तक अपने यहाँ कैंप चल रहा है, जिसमें कोई भी उम्र का व्यक्ति अपने यहाँ सीख सकता है। इसके बाद रेगुलर क्लास चलती हैं अपने इंडिया में, उसमें कभी भी आप आकर के संपर्क कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप सीख सकते हैं। मालाखेड़ा के माया गोपाल मोक्षधाम स्थित मुक्तेश्वर महादेव जी एवं नंदी महाराज को पीले चावल और पत्रक देकर शुभारम्भ किया गया। इसके बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के उपलक्ष में कटला मोहल्ला, चूड़ी मार्केट आदि क्षेत्रों में पीले चावल देकर श्री राम आनंदोत्सव मनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर आनंदोत्सव समिति के सदस्य सुनील कुमार गुप्ता, जगदीश मीणा, महेश पंसारी, आशाराम सोनी, अरविंद दीक्षित, शिव कुमार मिश्रा, सुधांशु जैमन और विष्णु शर्मा आदि मौजूद रहे। सभी भक्तों ने भगवान भोले के जयकारे लगाए और सुख समृद्धि की कामना की। और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में पौष माह और मलमास में भजन पूजन और सत्संग का दौर जारी है। मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे स्थित मुंडिया गांव के शिव मंदिर में श्रद्धालु महिलाओं ने भजन सत्संग किया। इस दौरान भगवान भोलेनाथ, राधा कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े हुए भजनों का गायन किया गया। साथ ही श्रद्धालु महिलाएं भाव विभोर होकर नृत्य करती दिखाई दी। उधर पौष माह में भगवान को गर्म तासीर के व्यंजन बनाकर भोग लगाने के लिए पौष बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मालाखेड़ा कस्बे और बरखेड़ा में भी आयोजन संपन्न हुए। यहां भगवान को भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद वितरित किया गया। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शीतकालीन अवकाश के दिनों में विकास कार्य जारी है। यहाँ विद्यालय प्रांगण में इंटरलॉकिंग ईंटें बिछाई जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा यह विकास कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही परिसर में 3 जनवरी को भारत विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम भी होगा। स्कूल में जो काम चल रहा है ये ML-LED के तहत है और इसमें एक शौचालय मरम्मत है और ये चौक को ठीक करने का कार्य है। 2 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत हुआ है। अकबरपुर क्षेत्र में तेज सर्दी के चलते लोग दुकानों के आगे अलाव तापते नजर आए। कुछ दिन से ठंड के प्रकोप ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके अलावा बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहता है। वहीं खाली समय में विक्रेता एवं आसपास के लोग अलाव तापते दिखाई देते हैं। ये धुंध छा रहा है, दुकान कोई नहीं आ रहा है। आज बड़ा सा बैठे हैं और ठिठ रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रखे हैं। आज का ही सहारा है और बाजार सूना पड़ा है, ठीक नहीं है हो रही। तो आज के आगे अपना टाइम पास कर रहे हैं।
अकबरपुर ग्राम पंचायत में इन दिनों घर घर जाकर आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं। आशा सहयोगिनी और ANM लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने में जुटी हुई हैं। आधार कार्ड से लिंक एवं सूची में नाम वाले लोगों के कार्ड बन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कार्ड बनने के बाद वे योजना का लाभ ले सकेंगे। पहले चिरंजीवी जो योजना कार्ड था वो अब भारत आयुष्मान योजना है। अब ये कार्ड जो बन रहे हैं राजस्थान में जो ANM जो उनने ANM की ड्यूटी लगा रही है वो घर घर जाकर ये कार्ड बना रही है और काफी अच्छी योजना है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जब दोनों ही सरकार भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी जो सरकार कार्यकाल देखने को मिल रहा है काफ़ी गरीब हित में मिल रहा है, काफी अच्छा विकास भी देखने को मिल रहा है जो योजना चला रही है सरकार। सरिस्का बाग परियोजना स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर नववर्ष के पहले मंगलवार को श्रद्धालु उमड़ पड़े। यहाँ दिन भर सरिस्का की वादियों में बजरंग बली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। महाभारत कालीन पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर शयन मुद्रा में प्रतिमा स्थित है। इसके दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं। वहीं भक्त गोविंद जोशी ने बताया कि यहां श्रद्धालुओं ने पौष माह के चलते पौष बड़े का आयोजन किया, साथ ही सुंदरकांड पाठ किया गया। इस मौके पर पंडित ललित शर्मा, चेतन शर्मा, मुरारी लाल, रोहित, महेश जोशी, गोविंद जोशी आदि मौजूद रहे। श्री रजाला पांडुपोल हनुमान जी महाराज के नव वर्ष पर आज भक्तों का तांता लगा दिन भर और पौष का महीना जो चल रहा है उस पर आज बाबा के दरबार में पौष बड़ी का आयोजन किया गया और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किए और विधित रूप से पूजा अर्चना की और सभी भक्तों ने मन्नत मांगी। नव वर्ष पर हनुमान जी की झांकी सजाकर महिलाओं ने भजन कीर्तन किए। सकट कस्बे के पाई कगुआड़ा स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में मंगलवार को सखी मंडल ने यह आयोजन किया। महंत रमाकांत जमन ने बताया कि महिला श्रद्धालुओं ने हनुमान जी, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण, शिव जी और माता के भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर हनुमान जी, राम दरबार, द्वारकाधीश और शिव परिवार की मनमोहक झांकी भी सजाई गई। अंत में महाआरती के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। उधर इस मौके पर श्रद्धालु उमा शंकर मेहरवाल, पुष्पा जयमन, गीता पारेख, कमलेश प्रजापत, सरोज, सावित्री और गीता आदि मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिले के राजगढ़ में अयोध्या से आए पूजित अक्षत सहित भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ मेले के चौराहे स्थित जैन नसिया जी से किया गया। वहीं बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा गणेशपुर स्थित श्री गणेश मंदिर पहुंची। इस दौरान भगवान श्री राम दरबार और भगवान परशुराम की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही हनुमान मंदिर पहुंचने पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इसके अलावा कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। शोभा यात्रा के समापन पर संतों ने विभिन्न क्षेत्रों की श्री राम प्राण प्रतिष्ठा आनंदोत्सव समितियों को अयोध्या से आई सामग्री प्रदान की। राजगढ़ उपखंड के ठेकड़ीन ग्राम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय समर्थ लाल मीणा की 89वीं जन्म जयंती मनाई गई। यहां मौजूद दिनेश सेन ने बताया कि इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही गोष्ठी में वक्ताओं ने समर्थ लाल मीणा के जीवन पर प्रकाश डाला, साथ ही उनके द्वारा राजगढ़ क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। अंत में उनके पुत्र विजय समर्थ लाल मीणा ने सभी का आभार जताया। ग्राम ठेकड़ीन में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री समर्थ लाल जी की 89वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई और उसमें हमारे राजगढ़ परिक्षेत्र के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उनके समय के जो कार्यकर्ता थे वो भी आए और नवीन कार्यकर्ताओं का भी आगमन हुआ। हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई जिसमें विजय समर्थ लाल जी, स्थानीय विधायक एवं सारे जनप्रतिनिधि जो कि गुरु जी से लगाव भी रखते थे और जिन्होंने राजस्थान विधानसभा में राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का परचम पर नाम फहराया था उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई थी और यहीं पर सारा कीर्तन भी हुआ था, गोष्ठी का आयोजन किया गया जिनपे उनकी कार्यकाल में जो 5 दशक तक उन्होंने राजनीति की थी उन पर भी कार्यकाल पर प्रकाश डाला गया कि वो किस तरीके से कुशल नेतृत्व करता थे, कुशल प्रशासक थे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नौगावा में विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता की तैयारियां जारी हैं। उप प्रधान अतर सिंह सैनी और नगर पालिका के चेयरमैन राजीव सैनी ने इसका जायजा लिया। उप प्रधान सैनी ने बताया कि वर्तमान में मोबाइल की दुनिया ने बच्चों को खेलना भुला दिया है, ऐसे में इस टूर्नामेंट का आयोजन खेल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वहीं ग्राउंड तैयार करने में राजा राम गुजर, महावीर सतवासिया, धर्मवीर गुजर, छगन चेतीवाल और अमरजीत सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उसकी तैयारी शुरू हो रही है। ये गांव के लोगों का सभी का उत्साहवर्धन के लिए प्रतियोगिता की जा रही है, क्योंकि हमारे बच्चे इतना खेल पे आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको उत्साह बढ़ाने के लिए हमने इसको इस ज़मीन को पूरी जो ये ज़मीन है इस बच्चों के लिए, ये नगर पालिका की ज़मीन है जो बच्चों के लिए खेल मैदान के लिए दान की है। अयोध्या से आए पीले चावलों को थानागाजी कस्बे में सनातन प्रेमियों और राम भक्तों को वितरित कर निमंत्रण दिया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यह सिलसिला जारी है। वहीं पीले अक्षतों के वितरण में क्षेत्र के सैकड़ों राम भक्त और सनातन धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। अयोध्या से आए हुए पीले चावलों का वितरण थानागाजी के प्रत्येक दुकान, प्रत्येक राम भक्त को किया जा रहा है, जिससे आने वाली 22 जनवरी को हम सब अपने घरों में दीपावली मनाने वाले हैं। साथ में ही उस दिन एक बहुत ही बड़ा आयोजन का कार्यक्रम हम करने वाले हैं, जो पूरी दुनिया में एक अनूठा होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री राम 500 वर्षों बाद पुनः अपने अयोध्या में पुनर्स्थापित हो रहे हैं, पुनः वहां उनकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इसलिए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सौंख में श्री राधे नवयुवक मंडल ने नवे भजन जिकड़ी दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका शुभारंभ सोमवार को भरतपुर सांसद रंजीता कोहली के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जबकि अध्यक्षता सरपंच श्री भान सिंह द्वारा की गई। इस मौके पर सांसद रंजीता कोहली का श्री राधे नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। उधर भरतपुर सांसद ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही गाँव में बन रहे राम मंदिर के सहयोग करने का ऐलान भी किया। और मैं तो धन्यवाद दूंगी सौंख की सरदारी को और माता बहनों को कि आपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का विश्वास करा, इसलिए हमारे यहाँ से खेलनी से और कनुमर से जो विधायक बना के भेजा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेरली रेल में वार्ड 11 स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार को पौष पड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धालु यदुवीर सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हनुमान मंदिर पर जयसिंह बाबा द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान सोनू चौहान, गजेंद्र सिंह, नंदकिशोर, राजकुमार और हाकिम सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमारा 2.5 घंटे का प्रोग्राम चला था, जिसमें बहुत बड़ा प्रसाद वितरण किया गया था, जिसमें हमारे गांव से गजेंद्र सिंह जी, जयसिंह बाबा, हाकिम सिंह जी, गजेंद्र मीणा, ये जयसिंह बाबा द्वारा आयोजित किया गया था। बड़ौदा में कस्बे में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्टाफ और मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। वहीं कॉलेज का संचालन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के मात्र 3 कमरों में किया जा रहा है। इसे लेकर छात्राओं ने नायब तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन के अनुसार सन 2022 से संचालित राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए अब तक भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। इसके अलावा 7 में से केवल 3 विषयों के संकाय सदस्य ही कार्यरत हैं। ऐसे में सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के चलते विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के लिए चिंतित बने हुए हैं। उधर करीब 300 छात्राओं के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ये ज्ञापन हमने वो कॉलेज राजकीय कन्या महाविद्यालय के आधार पर दिया है कि उसमें न तो कोई भूमि आवंटित है, न कोई वो संकाय के सदस्य उपलब्ध है। वहाँ पर 7 सब्जेक्ट है, लेकिन उनमें से कुछ ही सब्जेक्ट चलते हैं और हम बाकी सब्जेक्ट नहीं चलते हैं, और हम परीक्षा सर पर आ रही है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसलिए इनको तहसीलदार साहब को हमने वो ज्ञापन दिया। तहसील में खड़े हैं और हम अपने भाग की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है और हमने ना हमने फ़ोन किया साफिया मैम को, लेकिन उन्होंने हमारा कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं किया, और रिसीव किया तो वो तहसीलदार के फ़ोन से रिसीव किया, लेकिन बात हुई तो भी भड़क गई, ज़्यादा कुछ बोलने लगी और बोल रही थी कि तुमसे पॉलिटिक्स नहीं आती है। और मैंने साफिया मैम से कांटेक्ट किया था, उन्होंने हमने जब हमारे हक की लड़ाई लड़ी थी, पहले तो उन्होंने कॉलेज खुलवा दिया, फिर वादे किए कि तुम्हें ड्रेस देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे, बट कहाँ गए अब उनके वादे, कहाँ गई उनकी सरकार। जब हमने उनको वोट दे के उनकी दोबारा सरकार लेके आए, हम इसलिए लेके आए थे कि हमारी सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए है, क्या गई हम कहाँ गई उनकी फैसिलिटीज है ना, कोई कुछ जो हमारे प्रोफेसर थे वो भी हम भेज दिए, और जब हम प्रोफेसर की मांग कर रहे हैं तब कोई प्रोफेसर नहीं है, और हम जब उनको कॉन्टेक्ट करके ये बोल रहे हैं कि मैम हमें हमारी सारी चीज़ें चाहिए, तो बोल रहे तुम्हें पॉलिटिकल नहीं आती। अरे हम पॉलिटिकल के स्टूडेंट होके जब हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात का तो उनको दुख है कि राजस्थान में बीजेपी क्यों आ गई, बीजेपी आ गई क्या, कोई काम नहीं होगा बीजेपी की वजह से। तहसील बड़ौदा मेयू में आज हमने हमारे फ़ोन से साफिया मैम को कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, और तब उन्होंने फ़ोन रिसीव भी किया तो वो भड़क गई। भिवाड़ी में सस्मिता फाउंडेशन ने नए साल की शुरुआत विशेष तरीके से की। वंचितों के लिए खुशहाली लाने के इरादे के साथ फाउंडेशन ने यादगार उत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर नृत्य प्रतियोगिता में युवा प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और उत्साह दिखाया। साथ ही वीबी बंसल और रावत पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। फाउंडेशन के संस्थापक सस्मिता त्रिपाठी के अलावा सदस्य एकता वर्मा, रोहित ठाकुर, निधि शर्मा, सूरज कुमार और देवेंद्र सैन आदि ने आयोजन में भूमिका निभाई। शहर में मीट मार्केट के समीप हमले के शिकार हुए सूरसागर निवासी शेर सिंह प्रजापत के परिवार को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने 21,000 रुपए की सहायता दी है। मृतक के परिजनों ने अज्ञात हमलावरों द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उधर मंगलवार को आहूजा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि हत्याकांड हुए करीब 1 सप्ताह का समय हो चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी नहीं पहुंचा है। पूर्व विधायक आहूजा ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए जिला प्रशासन से भी बात की है, साथ ही SP से संपर्क कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। आज मैं इस परिवार में आया हूँ, मैं गरीब परिवार की बहुत गरीबी हालत देख के, ये प्रजापति परिवार बहुत गरीबी हालत देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि अब तक के जिले का शहर का कोई नेता यहाँ इनका हालचाल पूछने, संवेदना प्रकट करने, दुख प्रकट करने नहीं आया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। और इस आश्चर्य के साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको सरकार की ओर से कुछ न कुछ हेल्प अब तक मिल जानी चाहिए, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा अभी नहीं मिली है, लेकिन मैं कलेक्टर साहब को भी ADM साहब से बात हुई है, ADM सम्मानीय उत्तम सिंह शेखावत साहब से मेरी बात हुई है, कोतवाल साहब से बात हुई है कि उन गुंडों की तुरंत गिरफ्तारी हो, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ADM साहब से बात हुई है कि इनको आर्थिक रूप से सहयोग मिले, तो उन्होंने कहा कलेक्टर साहब के नाम एक अर्जी लगे तो अर्जी लिख करके कल दे देंगे, और निश्चित रूप से जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पर जितने हेल्प मिलेगी दिलाएंगे, और बाकी हेल्प में जयपुर से CM साहब से बात करके इन लोगों को दिलाऊंगा। भिवाड़ी के घटाल गांव के समीप एक व्यक्ति की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक श्रमिक सिलाई का काम करता था और बिहार का निवासी था। भिवाड़ी पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, वहीं पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। हत्या करने के कर्म का अभी पता नहीं लग पाया है। गाड़ी घुमा के हम लोग के रास्ते में आगे पकड़ के
एक लड़के ने मुझे मारने लग गया और मेरे साथ में था, उसको डंडे से उसने मारा सर पे। फिर मारने के बाद उसने मुझे खोज रहा था, फिर मैंने हट गया थोड़ी दूर, उसने फिर मेरे को छोड़ के गाड़ी से चला लिया। मारने वाले को तुम पहचानते हो क्या? नहीं, उसको मैं कभी नहीं देखा हूँ। तो ऐसे ही मारने लग गया? ऐसे ही मारने। किस चीज़ में आए थे? वो कार था उसको। कार थी, कौन सी कार थी? ये नहीं पता कौन सी कार था, लेकिन गाड़ी से आया था। गाड़ी से उतरते ही आपको मारने लगा? हाँ। मृतक का क्या नाम था? अफसर। क्या करते थे वो? भिवाड़ी। वो सिलाई का काम करता था। कितने दिनों से थे? 4-5 साल से था। 4-5 साल से भिवाड़ी। मंत्री बनने के बाद पहली बार अलवर आगमन पर संजय शर्मा का अनेक स्थानों पर स्वागत होगा। अलवर शहर से विधायक संजय शर्मा के स्वागत का सिलसिला 3 जनवरी को सुबह 10 बजे कानोता स्टैंड पर शुरू होगा। इसके बाद अनेक स्थानों से होते हुए राजगढ़ और मालाखेड़ा क्षेत्र में स्वागत के बाद वे दोपहर 1:15 बजे बुर्जा पहुंचेंगे। साथ ही कटीघाटी और अनेक चौराहों पर स्वागत के बाद संघ कार्यालय केशव भवन में भी कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा 4 जनवरी को सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर से स्वागत रैली निकाली जाएगी। वहीं केडलगंज में सभा भी होगी। खैरथल जिला सचिवालय सभागार में हुई बैठक में वायु प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की गई। वायु गुणवत्ता आयोग ने इस सिलसिले में निर्देश दिए हैं, वहीं इनकी पालना को लेकर कार्रवाई की समीक्षा हुई। बैठक की अध्यक्षता खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने की। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छत पर धूप का लुत्फ लेते परिवार के घर में घुस चुराए 4 लाख के जेवर। स्कीम 10A में सामने आई घटना। वहीं पड़ाव की चक्की में मिल परिसर से पार किए मशीनरी और पार्ट्स। सड़क हादसों को लेकर सख्त कानून के विरोध में बसों का संचालन रखा ठप। लगातार दूसरे दिन भी नहीं चली बसें। वहीं महुआ खुर्द के पास चालकों ने किया चक्का जाम। बिजली चोरी से रोका तो लाठियों से 3 को किया घायल। बगड़तिराए के गुगडोद गांव में सामने आई घटना। और डबल इंजन सरकार से ईस्टर्न कैनाल सहित सिलीसेड से पानी लाने पर अमल की जताई उम्मीद। कार्रवाई हुई तो क्रिकेट मैदान बना, लाल डिग्गी जलाशय भी होगा लबालब। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट बैग डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर, फोन नंबर 01442332624, 01442332625। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।